विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, आइए देवदास, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। देव अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचने और देवी आदि शक्ति से अपने संयोग के लिए अधीर हो रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अंततः आप मेरे पास प्रभु काशी लौट ही आए, किंतु आपने मुझे विशालाक्षी कहकर क्यों पुकारा प्रभु? प्रिय, आपने इतने वर्षों तक बिना पल के छपकाए अपने विशाल नेत्रों को खोल रख मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए आज से आप माता काक्षी विशालाक्षी के नाम से भी प्रख्यात हैं। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। मेरा परम भक्त ऋषि जगेश्वर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव 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 मेरे प्रभु मेरे महादेव आपने मुझे दर्शन दे दिए, आप मुझे मिल गए प्रभु। मेरे इस प्रतीक्षा के कठिन समय में कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी ने मुझे जीवित रहने का साहस दिया, मेरा विश्वास बंधाया। उन्हीं के कारण मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सका महादेव। प्रभु आज आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया। अब मैं शांति से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ प्रभु। ऋषि जगेश्वर अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने प्रण लिया था कि मेरे दर्शन के उपरांत ही आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे, तो अब अन्न और जल का सेवन कीजिए ऋषिवर। मुझे अन्न चाहिए माता अन्नपूर्णा। करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुता अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष महेश्वरी प्राणयाचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा नमस्तस्यै नमो नमः।
देवी अन्नपूर्णा, मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगता हूं। देवी अन्नपूर्णा, आप करुणा और उदारता का भाव रखने वालों की सहायक होती हैं। अपने असंख्य उपहारों से एवं सुरक्षा से अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपने मेरे भक्त के लिए भोजन प्रस्तुत कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इसलिए यहाँ मेरी प्रिय काशी में आपका मंदिर स्थापित होगा, जिससे आप यहाँ मेरे आने वाले मेरे समस्त भक्तों को अन्न दान दे सके। ये कोलाहल नहीं मूर्ख दुर्ग मासूर, ये तुम्हारे अंत की सूचना का उद्घोष है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र गणेश, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकी के अथक प्रयासों से ही पुनः काशी इतनी जीवित और सुखमय हो सकी है, और तुम्हारे कारण ही मैं अपनी प्रिय काशी में लौट सका हूँ। पिताश्री, इसका संपूर्ण श्रेय तो गणेश को ही जाता है, जिसने निराशा के क्षणों में भी भक्ति की शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास से हमारे मन में आशा जागृत कर हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। पुत्र गणेश, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? काशी से मैं कितना दूर हो गया था। अपनी प्रिय काशी में प्रवेश के सुख से वंचित था मैं, और मेरे यहां लौटने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, और यहां महेश्वरी मेरी प्रतीक्षा में जड़वत होकर स्थित थी। किंतु तुमने अपनी भक्ति, युक्ति और श्रद्धा से मुझे पुनः मेरी काशी में लौटाने का मार्ग ढूंढ लिया पुत्र, जिसके परिणाम स्वरूप महेश्वरी की पूर्णता से भी मेरा संयोग संभव हुआ। पिताश्री, आप और माँ इतने कष्ट में थे, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने तो वही किया पिताश्री, जो एक पुत्र का कर्तव्य था। अर्थात निर्बल और लाचार जीवों के सहायक हैरम गणपति, अर्थात वो दयालु भगवान जो अपने भक्तों को हताशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाएंगे, जो सभी दुर्बल निसहाय जीवों के रक्षक होंगे। पुत्र गणेश, महाराज राजा देवदास से काशी को मुक्त करवाने के प्रसंग के उपरांत धन्यवाद स्वरूप इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंग से लगाया था, और अब मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे इस रूप में तुम्हारा एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। पुत्र, मेरे और महेश्वरी के विलग होने से संसार पर संकट छाया हुआ था, किंतु तुम अपनी भक्ति में अडिग रहे। महाराज देवदास का मार्गदर्शन कर तुमने उनका कल्याण किया, काशी का कल्याण किया, अपनी माँ और स्वयं मेरा भी कल्याण किया, मेरे भक्त ऋषि जगेश्वर का कल्याण किया। इसलिए एक प्रकार से तुमने संपूर्ण संसार का ही कल्याण किया। ये तो मात्र मेरा एक दायित्व था। तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया पुत्र। तुमने ना केवल अपने परिवार का भला किया, अपितु तुमने मेरे भक्तों की भी रक्षा की। जगत कल्याण को सर्वोपरि रख तुमने संसार को सर्वनाश से सुरक्षित किया। तुमने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की, और यही होगा तुम्हारे हैरम स्वरूप का महत्व पुत्र।
अद्भुत, अनूठा, अति सुंदर होगा तुम्हारा स्वरूप। इस स्वरूप पे तुम्हारे पंच शीश होंगे, जिनसे तुम सभी प्रमुख दिशाओं में अपने भक्तों पर दृष्टि रख सकोगे, उनकी रक्षा कर सकोगे, क्योंकि तुम तो वो महान रक्षक हो पुत्र, जिसने पूर्व काल में अपने ही दंत का प्रयोग कर अपने भक्तों की रक्षा की। तुम तो असहाय जीवों के सच्चे संरक्षक हो। हे रम गणपति, हे रम गणपति, हे रम गणपति। पाशादन्ताकर्षमला श्रुणु परशु दधानो मुधागरा मुधातं च फलमाधिगता सिंहाः पञ्चामातङ्ग भक्तारो गणपतिरठिगारः पाठो हे भक्ति में अपार शक्ति होती है, जिसके बल पर हम कठिन से कठिन कार्य को साध सकते हैं। मैं दुर्गमासुर का वध अवश्य करूं, किंतु ये तभी संभव जब वेद की देवी उसके बंधन से मुक्त होकर सुरक्षित अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे, और ये कार्य तुम्हें करना होगा गणेश।